सो गाइस गर्मी आ गई है एंड घर से बाहर निकलने का टाइम खत्म हो गया है। एंड अगर हम गलती से घर से बाहर निकल भी गए तो भाई तो सूरज माव पूरी ऐसी की तैसी कर देंगे। ओ वाह हाय गर्मी, ये दिल्ली है एंड यहाँ बाहर जाके जूस पीना जितना महंगा है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर आप बाहर गए सूरज से आपका डायरेक्ट आमना सामना होगा एंड 2 पॉइंट पॉल्यूशन के लिए भी। ऑल राइट तो रियल जूस पी लो। किसी कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये तो आप हम में से हर कोई जानता है, लेकिन इनके अल्टरनेटिव के तौर पर अक्सर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपको कोई हेल्दी ड्रिंक पीनी ही है तो फ्रूट जूस। तो हाँ मैंने इसलिए मंगाया है ये फ्रूट जूसर जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग है एंड ये अमेज़न पे आपको काफी आसानी से ही मिल जाएगा। चल भाई साइड हो, चल बेटा। तो गाइस फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इसका प्राइस है 1500 रुपीज। नाउ चेक करते हैं कि इसका प्राइस ये वर्थ इट है या फिर नहीं है। तो मैंने कहा इसे मंगा लिया एंड इसे मैंने खोल लिया ना, आप इसकी वर्किंग देख सकते हो कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले हमारा काम हो मतलब क्या ये एनफ जूस बना सकता है जो हमारे लिए काफी होगा, तो यही चेक करते हैं अब तुरंत 2 मिनट में। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता देता हूँ। ये बहुत ही इजीली आपके फ्रूट्स का जूस निकाल देता है एंड एक और चीज कि ये रिचार्जेबल जो इसको काफी ज्यादा अमेजिंग बनाता है, आप इसको एक बार रिचार्ज कर लो एंड ये आपके पूरे दिन काम करेगा, आपके पूरे हफ्ते आपका सारा जूस निकाल देगा ये। सो गाइस टेस्टिंग टाइम, हम ले आए हैं अपना अपना गिलास एंड ये हम चेक करते हैं इस। सो गाइस सबसे पहला हमारा काम होगा इसको काटना। तो गाइस हमने इस ऑरेंज को इजिली काट लिया है एंड ये आप देखते हैं काफी कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ओके बिल्कुल ऑरेंज है एंड हम इसका जूस निकाल, जब हम इसका जूस निकाल के ट्राई करते हैं तो हमने इसे खोल लिया यहाँ से एंड ये हमारा सीधा सीधा जाएगा, डायरेक्ट आप इसके बीज निकाल सकते हो। ओके तो हमें इसे ऐसे प्लेस करना है सबसे पहले, जैसे आप देख सकते हो इसमें मेन ऐसे हमने इसे प्लेस कर दिया, ठीक है गाइस। एंड नाउ हम इसको ऐसे बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये बंद हो चुका है इजिली, अब बाकी हमें हम अब इसको चला के देखते हैं। हमने यहाँ पे अभी बंद कर रखा है इसे कि इसका जूस सीधा ना गिरे, तो यहाँ से बटन दे रखे हम इसे यहाँ चलाएंगे। ओके अब क्या करना है, अल्लाह शायद हमें इसे 2 बार प्रेस करना है। ओके ये देख सकते हैं गाइस हमारा ये जूस निकलने लगा है। ओ माय गॉड यहाँ पे पूरा जूस निकल चुका है, आप देख सकते हो क्या पूरा जूस निकल गया। एक बार फिर से हम इसको प्रेस करते हैं 2 बार। सो गाइस हमारा एक इसमें इतना जूस निकला, नाउ चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली ये निकला भी है। ओके आप देख सकते हो प्रॉपरली पूरा का पूरा निकल गया। ओके नाउ हम इसे भी इसमें प्लेस कर देते हैं आराम से इसको। आपका एक क्वेश्चन और होगा, क्या ये बस ऑरेंज का जूस निकालते हैं? नहीं गाइस, ये आपका सेब का एंड अलग अलग चीजों का सबका जूस निकाल सकती है क्योंकि इसका वर्किंग यही है। ओके हमने फिर चालू कर दिया एंड ये उसको भी अच्छे से पीस रही है। ओके गाइस ये काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओके गाइस नाउ इज द टाइम टू चेक, अब हम देखते हैं कि कितना जूस हमारा निकला है। इसे हम ऊपर करेंगे तो सारा जूस निकलने लगेगा। ओके ये क्वांटिटी काफी कम है बट ये रियल जूस है, नॉट दैट रियल जूस बट ये रियल वाला जूस है जो कि काफी ज्यादा टेस्टी एंड काफी ज्यादा हेल्दी है। तो हम इसे पी के देखते हैं क्या हमारा दुकान की तरह लगता है या फिर अलग ही टेस्ट है। टेस्ट बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें कोई चीनी शुगर वगैरह नहीं डाली। टेस्ट काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है, रिफ्रेशिंग, कम क्वांटिटी है। जब भी आपका इसमें पेट मीन आपका आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे जो कि आपको एक जूस में होने चाहिए, तो काफी ज्यादा अच्छा जूस आ रहा है। ओ भाई बिल्कुल पूरा संतरे का स्वाद है एंड काफी ज्यादा अच्छा जूस है। क्वांटिटी कम निकलेगी बट आप इसको काफी ज्यादा आपको पीने में एक अलग ही मजा आएगा, अलग ही आनंद मिलेगा। एंड बाकी गाइस आप कमेंट में एक बार ये चीज बता सकते हो कि आपको और कौन से प्रोडक्ट्स और कौन से फ्रूट्स को इसमें टेस्ट करना है, क्योंकि मैं इसकी शॉर्ट बनाने वाला हूँ जिसमें मैं काफी सारे फ्रूट्स इसमें टेस्ट करने वाला हूँ। वाटरमेलन हो गया, सेब हो गया, कोई से भी आप कमेंट करो, मैं आपका कमेंट पिक करूंगा एंड इसको टेस्ट करते हैं आगे क्योंकि काफी ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है। तो गाइस अगर आपको भी ये मंगाना तो मैं इसकी लिंक अमेज़न के नीचे दे दूंगा, आप वहां इजीली मंगा सकते हो। और बेस्ट ऑफ लक, ये गर्मी काफी ज्यादा आने वाली है, बारिश नहीं हो रही तो उसके लिए आपके लिए काफी बढ़िया। अगर आपके घर में पेरेंट्स है तो उनको आप किसी का जूस पिलाओ, काफी ज्यादा उन्हें अच्छा लगेगा। एंड एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत गर्मी है। एट द एंड रिफ्रेशिंग तो यही है।